आपको एक कलीदार गाउन बनाना सिखाएंगे। व्यूअर्स, ये गाउन हम एक फैंसी कमीज के ऊपर पहनने के लिए बनाएंगे, इसलिए हम इसके साथ लाइनिंग अटैच नहीं करेंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिंपल तरीके से ही की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे पास 4 गज शिमर वाली नेट है, तो हमारे गाउन की लेंथ है 45 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम इस 4 गज नेट से 47 इंच के 3 पार्ट कट करेंगे। तो हमने कली की कटिंग के लिए ये पैटर्न तैयार किया है। तो यहाँ नीचे से हमने कली की चौड़ाई को 10 इंच रखा है और ऊपर से हमने कली की चौड़ाई को 2 इंच रखा है। व्यूअर्स, हमारा तीरा है 17 इंच, तो हम तकरीबन 24 कलीदार गाउन तैयार करेंगे। 12 कलियाँ फ्रंट की होंगी, 12 बैक की होंगी। तो 12 कलियों के हिसाब से हमने यहाँ से इसकी चौड़ाई को 2 इंच रखा है। दोनों साइडों से हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो ये तकरीबन 1.5 इंच तैयार होगा। तो 1.5 इंच के हिसाब से ये 12 इंच प्लस 6 इंच, ये टोटल 18 इंच तीरा तैयार होगा। तो हाफ हाफ इंच दोनों साइडों से तीरे की सिलाई में जाने के बाद ये टोटल 17 इंच हमारा तीरा तैयार होगा। तो हमने अपने सारे कपड़े को 47 इंच लेंथ के मुताबिक 3 हिस्सों में कट कर लिया है। बस हमने अपने सारे कपड़े को 47 इंच लेंथ के मुताबिक 3 हिस्सों में कट कर लिया है। ये हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक हिस्से को हम बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले इन 2 हिस्सों में से हम कलियों की कटिंग करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ से साइड की कलियों की कटिंग करेंगे। तो हमारा आर्म होल है 9 इंच, तो हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ से गोल शेप देंगे और यहाँ से भी हम फिटिंग की शेप देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम इस तरह से शेप देते हुए यहाँ इसको नीचे तक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे कली के पैटर्न के मुताबिक, और यहाँ से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम इसको पकड़ के इस तरह से टर्न करेंगे और फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम यहाँ इस निशान के साथ इसको सेट करेंगे और यहाँ भी निशान लगाएंगे और यहाँ इस साइड पे भी हम इधर से निशान लगाएंगे। हम कली को दोबारा इस साइड पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे इस निशान के साथ सेट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम कली को दोबारा पलटेंगे और इसको इस साइड पे टर्न करके रखेंगे। इस तरह से हम तमाम कलियों के लिए निशान लगाएंगे। अब हम दोबारा इसको इस साइड पे सेट करेंगे। हम इसको अंदर से भी साइड की 2 कलियों की कटिंग करेंगे। तो पहले की तरह हम इस साइड से बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाएंगे और यहां से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। हमारा आर्म होल है 9 इंच, तो हम यहां 9 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां इस साइड से हम गोल शेप देंगे और यहाँ से हम अपनी फिटिंग के मुताबिक
शेप बनाएंगे। और व्यूअर्स यहाँ से हम एक इंच के करीब इजाफी मार्जिन रखते हुए निशान लगाएंगे। ये हमारी तकरीबन 18 कलियों के निशान लग चुके हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स अब हम एंड की कली को कट करेंगे। अब हम यहां आर्म होल की शेप को कट करेंगे। ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो व्यूज ये हमारी एक पार्ट से 9 कलियां कट हुई हैं। तो ये हमारा डबल पार्ट था, तो इस हिसाब से ये हमारी 18 कलियां कट हो चुकी हैं। तो अब हम थर्ड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इस तीसरे वाले हिस्से के हाफ पार्ट से हम स्लीव्स को कट करेंगे और बाकी के हाफ से हम कलियों को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद हम इसको इस तरह से दोबारा टर्न करेंगे। और यहां से हम स्लीव्स का साइज लेंगे। तो हमारी स्लीव्स का साइज है 21 इंच। तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से हम आर्म होल को तकरीबन 11 इंच रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको कट करेंगे। ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़े को अलग कर लिया है। अब हम यहाँ से इसको आर्म होल की शेप देंगे। और यहाँ से हम बाजू की फिटिंग को 7 इंच तक रखेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स कट हो गए हैं।
अब हम इस बाकी के कपड़े से कलियों को कट करेंगे। व्यूअर्स अब हम बाकी के थर्ड पार्ट से कलियों के लिए निशान लगाएंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और अब इस साइड पे निशान लगाएंगे। अब हम दोबारा इसके रूप को चेंज करेंगे। अब हम एन की कली का निशान लगाएंगे। व्यूअर्स हमारी सिक्स कलियों के निशान लग चुके हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स अब हम इनकी कटिंग करेंगे। हमने पहले 18 कलियों को कट किया था, अब हमने 6 कलियों को कट किया है, तो ये हमारी 24 कलियां कट हो चुकी हैं। तो अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इन कलियों को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो कलियों को इस तरह से पकड़ के इनकी उल्टी साइड को इस तरह से जोड़ के, तो इस तरह से हम इनको सिलाई करेंगे। हम तीसरी कली को इसके साथ इस तरह से जोड़ के रखेंगे और इसकी उल्टी साइड को इस तरह से पकड़ के तो सिलाई करेंगे। इसी तरह से अब हम अगली कली को इसके साथ जोड़ के इस तरह से सेट करके सिलाई करेंगे।
व्यूअर्स, इसी तरह से हम तमाम कलियों को सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, ये हमने एक साइड की कलियों को सिलाई कर लिया है। अब हम यहाँ पे साइड की कलियों को अटैच करेंगे। तो इसको इस तरह से हम इसके साथ रखेंगे और सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, अब हम दूसरी साइड की कली को इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको भी सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम दूसरी पार्ट की कलियों को स्टिच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम दूसरे पार्ट के लिए सबसे पहले इन दो कलियों को इस तरह से पकड़ के तो सिलाई करेंगे। अगली कली को इस तरह से इसके साथ जोड़ के सिलाई करेंगे। हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड की कलियों को जॉइंट कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल करके सेट किया है। तो यहाँ से हमारा तीरा 9 इंच तक है, ये टोटल 18 इंच है। हाफ इंच दोनों साइडों से सिलाई में जाएगा तो ये 17 इंच तक तैयार होगा। व्यूअर्स, ये गाउन चूँकि एक फैंसी कमीज़ के ऊपर पहनने के लिए है तो इसलिए हम इसके तीरे के साइज़ को कमीज़ के तीरे के साइज़ से 1 इंच बड़ा रखेंगे। हमारी कमीज़ का तीरा है 16 इंच तो इसलिए हम इसको 1 इंच बड़ा रखेंगे।
इसलिए ये 17 इंच तक तैयार होगा। व्यूअर्स अब हम यहाँ 1 इंच के करीब शोल्डर की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ सेंटर की कली की सिलाई को निकाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से गले की कटिंग करनी है और सेंटर से गोन को ओपन रखना है, पाइपिंग लगा के लूप्स लगाने हैं, इसलिए हम यहाँ सेंटर की कली की सिलाई को निकाल देंगे। फिर हमने फ्रंट साइड की सेंटर की कली की सिलाई को निकाल के इसकी डबल साइड को इस तरह से सेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ से गले का साइज़ लेंगे। तो आमतौर पर हम गले की चौड़ाई 3 इंच तक लेते हैं, लेकिन ये चूँकि गोन है तो हम इसको 4 इंच तक रखेंगे और गले की लंबाई हम यहां से 13 इंच तक रखेंगे और यहां से हम वी शेप बनाएंगे। व्यूअर्स आप गले के साइज़ को अपने साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम यहां से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ सेंटर फ्रंट से भी कली की रेबी शेप को थोड़ा स्ट्रेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, अब हम इस निशान पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारी सिंपल लाइनिंग वाली कमीज है, जिसके ऊपर हमने पहनने के लिए गाउन तैयार किया है। सिंपल लाइनिंग वाली कमीज की वीडियो हम बना चुके हैं, इसलिए अब हमने ये गाउन के लिए ये कमीज तैयार की है।